रील और रियल, इन दोनों फॉलोवर्स में काफी अंतर होता है। इस चीज को अभी बहुत ज्यादा देखा गया और समझा भी गया। आजाद खान एक बहुत फेमस नाम, बिग बॉस में भी वो रह चुके हैं, काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया। अभी जब वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, उस वक्त भी उनका काफी ज्यादा काफी भारी संख्या में लोग मौजूद हो रहे थे। लेकिन अब जब वो काफी ट्रोल किए जा रहे हैं, जब वो काफी ट्रेंड में है, तो लोगों का सवाल ये आता है कि उनको लेकर इतनी ट्रोलिंग क्यों, यानी कि आजाद खान इतना ट्रोल क्यों हो रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि जिस व्यक्ति के इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स हैं, उस व्यक्ति को चुनाव के दौरान मात्र 155 से 56 सीटों पर सीमित होना पड़ गया। आखिर क्यों? जिस व्यक्ति के टोटल अकाउंट्स की अगर बात करें तो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, अगर इतने फॉलोवर्स होने के बाद भी इतनी कम वोट्स मिली हैं, तो सचमुच आप भी इस बात को याद रखिए कि रियल और रील, इन दोनों फॉलोवर्स में काफी फर्क होता है, काफी अंतर होता है। आपकी रील पर जो लाइक्स आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप अगर भविष्य में नेता बने तो उतनी वोट्स भी आपको मिले। आजाद खान ने इस बात को नकारा और कहा कि मुझे ट्रॉल किया जा रहा है, अच्छे से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी वोट्स मिली हैं, या मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिए भविष्य में क्या होगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे लिए सोशल मीडिया आगे है, मैं एक अभिनेता हूं और मुझे ट्रॉल किया जा रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा कि अब तो हाथ झाड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि जब 156 सीट यानी कि जिस पार्टी को कोई वोट नहीं देता उसको भी वोट उनसे ज्यादा मिली है। तो इसलिए आप भी अपने फॉलोअर्स पर इतना गुमान मत कीजिए, क्योंकि जो जमीनी हकीकत है उससे भी शायद आप वाकिफ ना हो। तो आजाद खान की ये पूरी जो स्टोरी है, ये जो पूरी एक कहानी है, ये आपको कैसी लगी? क्या वास्तव में रील वाली और रियल वाली फैन फॉलोइंग में फर्क होता है, हाँ या ना? जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।